हेलो दोस्तों, खम्मा गणी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और देखो मेरा कमरा कितना सुंदर हो रहा है। चारों तरफ से सब जगह पे मेरे बेटे के खिलौने पड़े हैं, ये देखो। फिर मैंने फटाफट इसको उठाना स्टार्ट कर दिया और एक थैली के अंदर मैंने सारे खिलौने डाल दिए। जितने में ये मेरा बेटा आया और उसने देखा कि अच्छा फ़ोन चालू है, मम्मा क्या कर रही है, वीडियो बना रही है, मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, छिड़कने स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने बुलाया और कुन्नू की तरफ से आप सभी को हाय। और ये जय श्री राम, एंड इसने आपको एक किस्सी भी दी है। उसके बाद ये चला गया। ये गाड़ी ले जाते हुए भी आप सबको बाय करके चला गया और मैंने फटाफट से सारे खिलौने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको मैं किचन में रख के आ गई। एंड देन उसके बाद में मैंने ये कंबल को मैंने सारे समेट लिया है। वो कंबल समेट के मैंने रख दिए फटाफट से। कितनी स्पीड आ गई है मुझ में आप देख सकते हैं, क्या फटाफट मैं सारा काम कर रही हूँ। सारे कंबल समेटने के बाद मैंने इन कंबलों को चेयर पर रख दिया है। एंड देन उसके बाद मैंने ये सारे बेडशीट अच्छे से झड़का के मैंने बिछा दी है इसको। आप देख सकते हैं ये हमारा जुगाड़ वाला डबल बेड है, हमने दोनों पलंग को साथ में रख दिया है और उस पर गद्दे बिछा दिए हैं। मैंने बिस्तर सही कर दिया है और अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। कितना फटाफट काम कर रही हूँ मैं, कितनी एनर्जी आ गई है मुझ में, जल्दी जल्दी कचरा निकाल रही हूँ मैं। ये बाहर की तरफ जो कचरा है मैं रसोई की तरफ ले जा रही हूँ। बाहर बहुत हवा चल रही थी और कचरा सारा बाहर उड़ रहा था, इसकी वजह से मैंने कचरा रसोई की तरफ ले जाके फिर मैंने थैली में डाल दिया। एक टेबल पे भी सारा सामान रखा हुआ इधर उधर, उनको मैंने हटाया। और ये मेरे स्टैंड की क्या हालत हो रखी है, फटाफट से अब इनको सामानों को व्यवस्थित रख देते हैं। जो बर्तन गंदे हो रहे हैं उनको मैं सिंक में रखूँगी और जो बर्तन साफ़ है उनको मैं इधर उधर रखूँगी। हमारे यहाँ पर बर्तन रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, मुझे स्टैंड पे ही रखने पड़ते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पर रेंट पे रहते हैं और किचन में बर्तन रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बर्तन हमें इधर उधर ही एडजस्ट करके रखने पड़ते हैं। वैसे भी कोई बात नहीं, बर्तन हमारे पास थोड़े ही हैं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इधर उधर रख रुका के। स्टैंड साफ़ कर लेती हूँ मैं फटाफट से और बर्तन में पोछा लगाने के बाद ही धोऊंगी। मेरा स्टैंड साफ़ हो गया अच्छे से, मैं पोछा लगा देती हूँ। गुन्नू बार बार बीच में मस्ती कर रहा है और डांस कर करके मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। ये फिर अपनी बॉल लेके गीले में खेल रहा था, तो मैंने इसको बोला कि आप बाहर जाके खेलो, तो ये गुस्सा हो गया है और बॉल लेके बाहर चला गया है और रोने लग गया। जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा देती हूँ, मौसम ख़राब हो रहा है, बाहर बारिश आने वाली है। किचन में भी पोछा लगा दिया मैंने फटाफट से। ये गुन्नू आया, ये अभी भी मुझसे गुस्सा ही है। इसके खिलौने आपको नज़र आ रहे होंगे, हर जगह इसके खिलौने पड़े रहते हैं, गाड़ी वगैरह इधर उधर। जल्दी जल्दी पोछा लगा लिया मैंने, मैं बर्तन धो रही हूँ, कितनी स्पीड से काम कर रही हूँ मैं फटाफट से। आज के लिए मैंने ना शक्तिमान से उसकी शक्तियाँ उधार ले ली थी और मैं फटाफट से सारा काम कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। बर्तन धो के मैंने टोकरी में रख दिए सारे बर्तन।
मैं खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। आज मैं पालक पनीर बनाऊँगी। पनीर को मैंने काट के रख दिया है, छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। देन गुन्नू भी आ गया है हमारे साथ खाना बनाने के लिए, मम्मा की हेल्प कराने के लिए। गुनू ने और मैंने मिलके दोनों ने हमने सब्जी बनाई। ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है। सब्जी रेडी होने के बाद में गुनू ने और मैंने थोड़ी सी मस्ती करी, थोड़ा सा डांस किया एंड उसके बाद में मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। और ये मेरी रोटी बनने लग गई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।